चल बड़ा इसको गिराओगे भाई, चल चल भाई मैंने अब ठाने नहीं है बाहर होगी, चल बड़ा इसको, चल बड़ा अब्बा मैं नाश्ता ले आई हूँ आपके लिए, आपको बुखार हो रहा है ना तो इसलिए चाय पापे लाए। सफर की थकावट है ना इस वजह से हल्का फुल्का बुखार आ गया। आप नाश्ता कर लें फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हल्का फुल्का बुखार है, बुखार का शरबत पड़ा हुआ है, पी लूंगा ठीक हो जाएगा। सर बेटा मैं रात से यही सोच रहा था, काशिफ पे केस करने से पहले हमें इससे एक दफा मिल लेना चाहिए। क्यों? उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। अपने बेटे की शक्ल देखी, दो दिन में कैसा मुरझा गया। मैं काम करूंगी ना, पैसे आएंगे फिर हम कुछ अच्छा कर ले लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि हमजा बड़ा हो रहा है, कल को बाप का पूछेगा क्या जवाब दोगी? बोलूंगी तुम्हारा बाप मर गया। देखो बेटा मुझे जो ठीक लग रहा है ना वही मैं कह रहा हूं। अब तुम अब भी काशिफ की बीवी हो, अगर वो तुमसे माफी मांगकर तुमको अपने घर के लेके चला जाता है तो बकिया की जिंदगी आराम से कट जाएगी। जिंदगी उसके बगैर भी तो कट रही है अब्बा, जब उसकी जरूरत थी तब वो नहीं था। मेरी तो कट गई बेटा, अब मुझे तुम्हारी और हमजा की फिक्र लगी रहती है। एक दफा बात कर लेने में क्या हर्ज है? वो दूसरी शादी कर चुका है अब्बा। हो सकता है कोई छोटा मोटा ठिकाना तुम्हें भी बना दे। वो अगर इतना अच्छा होता तो छोड़कर ना जाता मुझे। देखो बेटा मुझे एक दफा कोशिश कर लेने दो, कब्र में तुम्हारा गम नहीं रहेगा मुझे। ऐसी बातें मत सोचा करें अब्बा। ये सोच सोच के तो रात भर सो नहीं सका बेटा। मैडम तायरा केस करने वाली है उस पर, उनसे कहो कि हम सुलह करने जा रहे हैं, ठीक है? मोबाइल और पर्स निकाल, जल्दी कर जल्दी, चलिए जल्दी दे जल्दी, दर्द देख उधर 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 दे, दर्द देख उधर, जल्दी चल जल्दी, दर्द देख। शुक्र है कुछ नंबर सिम में सेफ थे, सारी एस वी से दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों उठा रहा हूँ? निम्मा हेलो, सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? हाँ वो मेरा पुराना मोबाइल खराब हो गया, अभी नया लिया है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था ना कि मेरी जान छोड़ दो। इतनी रात को तुमने ये कहने के लिए फोन किया? अगर मैं मर गई ना तो मैं लिख कर जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ हुआ क्या है। कौशिक के पास गई से तुम्हारी तस्वीर आई है। क्या? वो तुम्हारा नाम भी जान चुका है। ये कैसे हो सकता है? और
और उसको ये भी पता चल गया कि तुम हमारी शादी पे मेंटर बने हुए थे। बट काशिफ को कौन बता सकता है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है यू। अच्छा निमू रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। खुदा का वास्ते प्लीज तुम कहीं दूर चले जाओ ना, काशिफ तक पहुंच जाएगा। निमू कब तक छुपूंगा, सच एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा ना। और कम सहने की हिम्मत नहीं है यू। मुझे एक बात बताओ, हम दोनों तो मोहब्बत करते थे ना एक दूसरे से, और काशिफ ने तो पहले से शादी कर रखी, उसका गम नहीं है तुम्हें और मेरा दुख तुम्हें खाया जा रहा है। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं यकीन नहीं करूंगी। हाँ बहुत जल्द तुम्हें हिना से मिलवाऊंगा, फिर खुद देख लेना। तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते आयु। मेरी कौन सी तस्वीर काशिफ के पास है? जरूर वो मुझे ढूंढ रहा होगा। हाँ कामरान कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यार। हाँ तो काम के वक्त ही याद आती है सबको। अच्छा सुन, मैंने ना एक पिक्चर व्हाट्सएप कर रही है तुझे, तू जरा अपने सर्कल में घुमा और देख के बता कि लड़का कौन है। अरे यार कर दूंगा तेरी दावत भाई। नहीं नहीं अर्जेंट काम है इसलिए तुझे कह रहा हूँ। ठीक है ओके, मैं भेज रहा हूँ, खुदा हाफिज। नहीं भाई मुझे जाने दो, मेरी मां इंतजार कर रही होगी। हेलो कोई है भाई? मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। अबे क्यों शोर मचा के रखा है, बेड़िया खामोशी से। भाई दोपहर से पूछ रहा हूँ क्यों पकड़ा है मुझे, कोई बता नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा, कुछ बता तो दे। सुबह साहब आकर बताएंगे, भेड़िया खामोशी से। मुझे फोन करना है, मेरा मोबाइल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। अभी लगता हूँ तुझे उल्टा, चल शोर मत कर अब सो जा। जी समझ नहीं आ रहा क्यों पकड़े मुझे, कहीं तबस्सुम के भाई काशिफ ने तो नहीं पकड़वाया?